अगर एक फौजी को एक आखिरी मौका दिया जाए कि उसे एक आखिरी खत लिखना है, तो वो क्या लिखेगा? सरहद पे गोली खाके जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूँ, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलके बजाना और पूरे गांव में घुमाना, और मेरी माँ से कहना, बेटा दूल्हा बनकर आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या हुआ, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे, बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे, उनकी बात रख ली मैंने, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई, उसे कहना, क्या मेरा वादा निभाएगा, मैं सरहदों से बोल आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहना, उससे कहना, मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तफाक हो गया, भाई राखी से पहले ही राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, दो घड़ी के लिए वहाँ जरूर ठहरना, वही तो रहती वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना, भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। एक आखिरी गुजारिश, आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम है। जय हिंद, जय।